नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स में खबर मानसून की। मानसून के दस्तक ने हिमाचल प्रदेश को हिलाना शुरू कर दिया है। पहला मानसून है हिमाचल प्रदेश के इस सीज़न का और पहली बारिश है, और पहली बारिश ने जो अंजाम किया है वो आप समझ लीजिए। मानसून की दस्तक ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क तीनों प्रभावित हुए हैं। कहाँ क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुई मानसून की पहली बारिश ने पूरे प्रदेश भर में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 40 सड़कें बंद कर दी हैं, एक बड़ी बात है। बिजली के कट लग रहे हैं जगह जगह, 46 पोल टूट चुके हैं अलग अलग जगह पर। पानी की भी कम से कम जो 35 स्कीम है उस पर भी पूरा इसका प्रभाव पड़ा है। भारी बरसात के कारण चंबा ज़िले की ही 38 सड़कें और यातायात के लिए जो आवाजाही के लिए वो बंद हुई हैं। कहाँ कहाँ हुई हैं बताते हैं। देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उनमें चंबा सब डिवीज़न की 21, डलहौजी सब डिवीज़न में 12, सलूनी में 1, भटियात में 4 सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति और कसौली सब डिवीज़न की भी एक एक सड़क बंद है, यानी कि कहीं लैंडस्लाइड, कहीं कोई पोल गिर गया, कहीं कोई समस्या। भारी बारिश के कारण मंडी ज़िला में बिजली के काफ़ी पोल टूट गए हैं। जोगिंद्रनगर सब डिवीज़न में 31 बिजली के पोल टूटे हैं। सिरमौर ज़िला के राजगढ़ में 8, कुल्लू सब डिवीज़न में 3 और किन्नौर के पू सब डिवीज़न में बिजली के 4 पोल टूट गए हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों में पावर कट की समस्या भी पैदा हो गई है। जाहिर सी बात, अगर बिजली का पोल टूटेगा, नीचे गिरेगा, तो वहाँ पर बिजली सप्लाई तो ठप होगी ही होगी। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारिश के कारण पानी की स्कीमों को नुकसान पहुंचा है। चंबा ज़िले में जल शक्ति विभाग को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। यहां पर पानी की 35 स्कीमें प्रभावित हुई हैं। चंबा सब डिवीज़न में 10, भटियात सब डिवीज़न की 25, टोटल 35 हैं जो प्रभावित हुई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के निर्देशक जो हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं और इस आंकड़े को और बढ़ सकता है ऐसा वो कह रहे हैं। अधिकारियों को इन सेवाओं को जल्द दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, कुछ दिन पहले ही SDRF और NDRF की टीमों को जो है वो हाई अलर्ट पे डाला गया था, क्योंकि मानसून जब आता है और हिमाचल जैसा जो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर मुश्किल आती है। हम भी शिमला तक जाके आए तो रास्ते में कहीं पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड, हल्की फुल्की, मतलब कहीं थोड़ा पहाड़ टूट कर गिरा है, कहीं ज़्यादा गिरा है, ऐसा देखने को मिल रहा था। लेकिन ये भी है कि वहाँ पर उसी तेज़ी से काम भी चल रहा था, यानी कोई रुकावट आवाजाही में ना आए, इसको लेके भी सरकार सतर्क है। अब जब तेज़ हवाएं चलेंगी और मौसम ऐसा होगा, अभी तो दस्तक भर है, तो पोल टूटे और जब पोल टूटे तो बिजली की सप्लाई ठप हुई, उससे भी लोगों को काफ़ी मुश्किल आ रही है। और ये डलहौजी, चंबा और शिमला जैसी जगहों की बात करें या कसौली की बात करें तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं मैदानी इलाकों में, गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्हें इन चीज़ों को लेकर दिक्कत तो आएगी, चाहे वो बिजली की समस्या हो या फिर अगर सड़क वहाँ पर बंद है, कहीं लैंडस्लाइड है। तो नेशन स्पीक्स की तरफ से आपको, अगर आप टूरिस्ट हैं और कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आपके लिए भी एक अलर्ट ज़रूर है कि देख के संभल के ड्राइव करें, क्योंकि ये मैदानी इलाकों जैसा नहीं है कि आप सर पर दौड़ते रहेंगे। यहाँ पर पहाड़ हैं, कहीं से सरक सकता है, गिर सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, उस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। हाँ, अगर आप मैप्स वगैरह लगा लें तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ये भी आजकल एक मददगार चीज़ है। तो कुल मिला के मौसम की ये जो पहली बारिश है, मानसून की जो दस्तक है, इसने अभी से चीज़ों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि अगर मौसम इसी तरह से ख़राब रहता है, क्योंकि सिरमौर की तरफ हम देख रहे थे बहुत सारी कहीं बाढ़ की स्थिति बन रही है, हम देख रहे थे शिमला में कई जगहों पर पानी भरने की बात जो है वो सामने आ रही थी, तो अभी ऑरेंज अलर्ट तो कहीं येलो अलर्ट है। तो निश्चित सी बात है, कहीं आप ट्रैवल करें, कहीं आपने जाना हो, तो पूरी तरह से चीज़ों को देख लें, समझ लें, उसके बाद ही घर से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नेशन स्पीक्स पर। फिर मिलेंगे आपसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।